ये हमारा हॉस्टल और ये हमारे भैया दिल्ली से आए हैं गाड़ी लेके पहली बार। क्या हाल चाल भाई लोग, वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ हिमाचल रोड ट्रिप। अभी हम हैं चितकुल में और यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक कर रहे हैं रिवर साइड तक का, बहुत प्यारी जगह है। और हमारे साथ हैं शशांक भाई फ्रॉम बॉम्बे। शशांक भाई खुश हो रहे हैं, बॉम्बे में लॉकडाउन लग गया वापस जाना नहीं पड़ेगा लेकिन अब उन लोगों को थोड़ा दुख हो रहा है यार, गाजा में लॉकडाउन ना लगे, बस गाजा जाना है भाई ज़रूर। गाजा तो हिमाचल की आखिरी डेस्टिनेशन है यार, गाजा नहीं गए तो हिमाचल क्या घूमा। बहुत ज़बरदस्त जगह है, ट्रेल डाउन है, नीचे की तरफ उतरना है, ऊपर तो जाते हैं, चढ़ने में दिक्कत आती है। कल मैंने आपको दिखाया भी था वो जो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का एक हट दिख रहा है, ठीक है आ गई। आखिरी पॉइंट है जहाँ तक हम जा सकते हैं नगस्ती पॉइंट, और वहीं पर आर्मी बेस कैंप है, उसके 60 किलोमीटर आगे तिब्बत बॉर्डर लग जाता है और पूरा आगे से पूरा माउंटेन स्नो कवर्ड है, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होता रहता है, एवलांच आता रहता है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ट्राउट फिश पकड़ने की, क्या शशांक भाई मिलेगी ट्राउट फिश बिल्कुल यहाँ पे मटर होती है, धान होती है, आलू होते हैं, गाजर, मैंने पता किया लोकल से तो वो करते हैं, 6 महीने यहाँ पे खेती होती है। ये अरे गजब, मैं अपनी बॉलिंग की स्किल खाता हूँ। वाह ओबे तेरी शाम के 3 बज चुके हैं और 2.5 घंटे से हम रिवर साइड बैठे थे, बहुत मजा आया, बहुत रिलैक्स किया। अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं ऊपर जाने का, यहाँ से तो आई डोंट थिंक ऊपर स्नो क्लाइम कर पाएंगे, पूरा बर्फ बर्फ है। अच्छा तो रिवर क्रॉस करना पड़ेगा हमको, हमको उस साइड जाना है या फिर यहाँ से नगस्ती पॉइंट है वहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं। झाड़ियों में से निकल निकल के आ रहे हैं, रंग भाई का सोल निकल गया जूते का, कोई नहीं इसका जुगाड़ भी देखते हैं, हमें एक रस्सी मिल जाए तो हम इनका जूता बांध सकते हैं, बियर गिल्स वाली फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा आइडिया सूझा है, कितना टिकेगा फीतों को नीचे से निकाल के बांधना है, एक बार और खोल लो फीते खोल के नीचे से बांध लो रिवर तो क्रॉस भी कर सकते हैं, फ्लो बहुत तेज है, समझ नहीं पा रहे कहाँ से जाएं। अरे अरे एक रास्ता है वो देखो पेड़ के पीछे से, पेड़ दिख रहे हैं तो वहाँ से छोटा सा ट्रेल है, बस अभी एक रास्ता दिख रहा है वो थोड़ा हाई है, यहाँ से जा सकते हैं शायद हम, जंगलों के बीच में से निकलता हुआ रास्ता, बस स्नो लेपर्ड ना मिल जाए रिवर से ऊपर तो आ चुके हैं, यही ट्रेल फॉलो करना है हमको, उधर जाना है इस विलेज में, ये इस विलेज जाना है, रास्ता तो मिल गया।
धरती। कैसे लगा सतरंग में जाके? फट के चार। मजा आ गया? मजा आ गया। जब तक फटी ना हो मजा नहीं आता। आ गए अपने हिंदुस्तान का आखिरी ढाबे में। अपना रिवर ट्रैक हो चुका है सुशांग भाई के साथ, बहुत मजा आया। आखिरी ढाबे में चाय पी, सैंडविच खाया, आखिरी सॉस की बॉटल खत्म की। आखिरी सॉस की बॉटल खत्म मेरी। ट्रैक बहुत अच्छा था, अनऑफिशियल ट्रैक था, कोई मतलब की नाम नहीं है ट्रैक का, बस रिवर साइड ट्रैक है। काफी आगे तक गए, इतना आगे तक जा सकते थे। नींद भी बहुत बढ़िया आई होता। नींद भी बढ़िया आई। तो शशांक भाई क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। लाइफ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए? यही जिंदगी चाहिए भाई। अभी तो बोला ना, पैसे से है ये जिंदगी नहीं मिल सकती। चलो भाई, अभी शशांक भाई और मैं बात कर रहे थे, तो अभी हम जैसे अभी तो ट्रिप खत्म हो जाएगा हमारा काजा के बाद, अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, 3-4 तारीख के बाद खत्म होगा। तो अभी जून में प्लान कर रहे हैं हम लोग लद्दाख का, शायद शशांक भाई के साथ कोलैब करें। बिल्कुल मजा आ जाएगा। बिल्कुल। तो भाई अभी हम जा रहे हैं चिटकुल विलेज में। यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे एंट्री नहीं है आउटसाइडर्स की, फेस्टिवल में एंट्री नहीं है या गांव में एंट्री नहीं है ये तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेंपल है, शिव टेंपल, तो वहाँ जा रहे हैं हम। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो को जरूर लाइक भी कर दीजिए। हाँ, और फ्रिक्वेंट अपडेट के लिए आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कीजिए, Harshit_Beardo। स्टोरीज डालता रहता हूँ, पोस्ट डालता रहता हूँ कब कब जा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चिटकुल विलेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो घर मिलेंगे ना आपको, लकड़ी के मिलेंगे, फुल स्ट्रक्चर मिलेगा, कंक्रीट के मकान आपको कम मिलेंगे इधर चिटकुल शिव टेम्पल में। इसके लिए आपको बस स्टॉप से लेफ्ट लेना पड़ेगा, जो आखिरी ढाबा है हिंदुस्तान का उसके सामने ही है। टेम्पल तो अभी बंद है ड्यू टू कोविड। जय भोलेनाथ। जय बोलेगी। तो भाई गांव में टूरिस्ट अलाउ नहीं है ऐसा बोला गया हमें, और यहाँ पर भी मेला चल रहा है, धाम खिलाया जा रहा है यहाँ पे। मन तो मेरे भी कह रहा था, मैं बोलूँ भैया मेरे को खिला दो यार, बहुत मन कर रहा है कसम से हिमाचली धाम खाने का। मैं वहाँ गया था, चंबा से आगे एक जगह है भरमौर करके, तो वहाँ से 84 टेम्पल्स है एक जगह पे। अच्छा, तो मैं तो उधर एक टेंट के अंदर बाजू में टेंट लगा के एक मंदिर के बाजू में गया था, तो वहाँ पर छोटे बच्चों ने मुझे धाम खिलाया था। धाम में क्या क्या होता है? धाम में 4-5 सब्जियाँ रहती है, रोटी रहती है, राइस रहता है। तो फिर अभी पाइन केक खाने आए हैं। पाइन केक मिलेगा? चटकुल से रक्षा आ गए हैं, अभी ढूंढ रहे हैं पाइन केक कहाँ मिल जाएगा, भूख लग रही है, पाइन केक और चाय पीनी है। और यहाँ पे एक रिवर साइड का रास्ता है, तो कुछ खा पी के चलते हैं अपन लोग रिवर साइड, एंजॉय करते हैं। तो आए हैं, डरो मत भाई, डरो मत।